लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/2 में x का पावर 1/2 और प्लस में x का पावर 1/3 किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। मैं यहाँ पर ना x का पावर 1/3 को यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ। तो देखिए कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 में यहाँ x का पावर 1/3 कॉमन होगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से आपका, तो यहाँ आ जाएगा आपका x का पावर 1/6 और प्लस में 1 dx। अब सोच रहे कि सर ये कैसा लिखा, अगर आप इसमें से इंटू करोगे तो पावर जुड़ेगा ना, तो 1/3 और 1/6 जोड़ोगे एलसीएम लेके, एलसीएम होगा 6, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3/6 कट के आपका 1/2 नहीं आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो पूरा यह आ जा रहा है और इसमें से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 में x का पावर 1/3 और यहाँ पर 1 + x^(1/6 यही आपके हिंट में भी दिया हुआ है, दिया है ना जी। चलिए अब मैं यहाँ क्या करूंगा, पुट कर दूंगा x बराबर में t^6, x बराबर में क्या पुट कर देता हूँ, t^6 और इसे डिफ्रेंसिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करेंगे तो यहाँ dx/dt आ जाएगा और यहाँ 6t^5 हो जाएगा, 6t^5 ये जाके उधर गुना करेगा तो dx/ में आ जाएगा 6t^5 dt, ये ना हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए 1/1 x^(1/3 है यहाँ, तो x की जगह क्या रखना है, t^6 रखना है, तो t^6 रखेंगे और पावर में है 1/3 ब्रैकेट के अंदर 1 + यहाँ पे देखो x^(1/6 है ना, तो यहाँ पे x की जगह आप रखोगे t^6 और पावर में है 1/6 और dx की जगह क्या आ जाएगा आपका इंटू में आ जाएगा 6t^5 dt, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऊपर है आपका 6t^5 और नीचे आपका देखो क्या हो जाएगा t^2 हो जाएगा, कटेगा और ब्रैकेट के अंदर 1 + t यहाँ पर आ जाएगा आपका dt, ठीक है। चलिए तो अब ये कॉन्स्टेंट को मैं बाहर निकाल देता हूँ और इसमें से भाग करेंगे तो ऊपर t³ आ जाएगा और नीचे आपका 1 + t dt। अब इसमें देख रहे हैं कि ये इम्प्रोपर फ्रैक्शन दिख रहा है तो हम लोग सीधे यहाँ डिवाइड करते हैं, t+1 द्वारा डिवाइड करेंगे t^3 को, तो यहाँ पर कितना बार में ले जाएंगे, तो ले जाएंगे आपका t² से ले जाएंगे तो यहाँ t³ और प्लस में t² आएगा, माइनस ये कट जाएगा, -t² - t² में ले जाएंगे तो -t² - t, ये प्लस यहाँ प्लस ये कट जाएगा, t आएगा, एक बार में ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा t+1 -, ये कट जाएगा -1 यही ना आएगा आपका। चलिए तो अब इसको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा t²-t+1 और माइनस का 1/t+1 या 1 + t भी लिख सकते हैं dt। चलिए 6 इंटीग्रेशन है तो यहाँ इंटीग्रेशन अब सीधे हो ही जाएगा तो अब इंटीग्रेशन देने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा पावर में 1 जुड़ेगा और पावर नीचे आएगा, यहाँ t²/2 हो जाएगा और यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का log t+1 यही ना हो जाएगा और प्लस में आपका c, समझ गए। अब यहाँ पे हम t का वैल्यू रख देते हैं तो हम देखे थे ऊपर कि t बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए तो t बराबर में यहाँ से आ जाएगा x^(1/6 समझ रहे ना, तो यही मैं अब यहाँ रख दूंगा, तो 6 ब्रैकेट के अंदर x^(1/6³ और बाई में 3 माइनस t की जगह यहाँ क्या जाएगा x^(1/6² 2 और बाई में 2 और प्लस x^(1/6 माइनस log x^(1/6+1 ब्रैकेट बंद किए और प्लस में सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 6 बाहर ही रहने देते हैं, चाहे गुना भी कर सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुना करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कटेगा 2 हो जाएगा, 2x^(1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस यहाँ कटेगा तो 3 आएगा और x^(1/3 हो जाएगा यहाँ पर और फिर प्लस 6x^(1/6 और माइनस 6 यहाँ भी 6 आएगा ना log x^(1/6+1 और प्लस में सी, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।